विधानसभा चुनावों के बाद आचार संहिता हटने के साथ ही अब प्रदेश के युवाओं को उम्मीद बंधी है कि उनके एग्जाम जल्द से जल्द होंगे, साथ ही उनको रोजगार की सौगात भी मिलेगी। एक बार फिर से हम पहुंच चुके हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आचार संहिता खत्म होने के साथ ही अब एक बार फिर से युवाओं को उम्मीद बंधी। जय हिंद, मुझसे बात करने के लिए। और जैसा कि बता साहब फरमाया कि आचार संहिता समाप्त हो गई है और हमारा कैलेंडर हमने जारी कर दिया था और हमारे 21 जनवरी से हमारा पहला एग्ज़ाम है और हमारे करीबन 6 एग्ज़ाम होने वाले हैं जो कि जनवरी, फरवरी और मार्च में होंगे, तय डेट पर होंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है और हमारी मुझे भरोसा है। और उसके बाद करीबन 5 एग्ज़ाम्स हैं जो कि हमने प्लान किए हैं मार्च और अप्रैल में, तो बहुत ही शीघ्र ही उनका भी कैलेंडर हम जारी कर देंगे ताकि बच्चे एग्ज़ाम दे सकें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि बच्चे अपनी तैयारी जारी रखें और उसमें कोई कोताही ना बरतें। विधानसभा चुनावों की आचार संहिता खत्म हुई है लेकिन अब लोकसभा चुनावों की आचार संहिता लगने वाली है, ऐसे में युवाओं में एक बार फिर से डर है कि क्या ये परीक्षाएं समय पर हो पाएंगी जो अभी प्रस्तावित हैं, लगभग 11 परीक्षाएं। तो मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों को डरना नहीं चाहिए क्योंकि ये जो कैलेंडर जब जारी हो जाता है तो उसका वो रुकता नहीं है, एग्ज़ाम्स तयशुदा डेट पर होते हैं और हम वैलेंटाइन जो एग्ज़ाम्स हैं मार्च अप्रैल वाले उनको भी डिक्लेयर कर देंगे। तो मैं नहीं समझता कि एग्ज़ाम्स डेट डिक्लेयर होने के बाद में वो एग्ज़ाम्स रुकते हैं, चाहे आचार संहिता हो चाहे ना हो। और वैसे भी आचार संहिता जारी होने में लोकसभा के लिए अभी काफ़ी वक्त है और मुझे उम्मीद है कि बच्चों को ऐसी कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। सर, एक लेवल वन का इशू लेकर जैसे ही चुनाव हुए हैं लेवल वन के कुछ अभ्यर्थी लगातार यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम है, कब तक उनका समाधान हो सकता? तो ये लेवल वन और लेवल टू रीट की जो दो परीक्षाएं थी दोनों का एक सा ही मामला है। ज़्यादातर तो बच्चों का हमने अभिशंसा करके और शिक्षा विभाग को भिजवा दिया था लेकिन कुछ बच्चे कोर्ट चले गए थे दोनों L1 और L2 को लेके, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कोर्ट से कि कुछ एक क्वेश्चंस जो उनको लगता है बच्चों को कि सही उनका क्वेश्चन और आंसर सही नहीं है उनको रिव्यू किया जाए। तो अभी ये मामले दोनों कोर्ट में हैं और जैसे हम बोर्ड के अंदर हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनके हम अपने विशेषज्ञों के द्वारा उनको चेक कराते हैं, बहुत अच्छे से चेक और रीचेक कराते हैं, उसके बाद ही हम की जारी करते हैं, उसके आधार पर हम रिजल्ट बनाते हैं। तो अभी चूंकि ये कोर्ट में विचाराधीन है ज़्यादा कहना उचित नहीं रहेगा, लेकिन जैसे कोर्ट इसका फैसला सुनाएगा या कोर्ट इसके ऊपर जो भी आदेश देगा उसकी पालना करते हुए हम रिजल्ट्स को आगे जारी करेंगे। कल जब सरकार की ओर से बोर्ड और आयोगों का समाप्त किया गया तब से ही बच्चों के बहुत ज़्यादा मन में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष का भी कार्यकाल इन्होंने समाप्त किया है। सर, बच्चों में बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति है, आपसे ही जान नियम ये हैं कि यहाँ लागू नहीं होगा, तो उसके बारे में मेरा कहना बहुत उचित नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि ये राज्य सरकार का प्रेरोगेटिव है, उनका कार्य क्षेत्र या उनका अधिकार क्षेत्र है, तो जैसा राज्य सरकार चाहेगी वैसा ही होगा, मुझे इसके बारे में कोई भी आदेश नहीं मिले हैं। आने वाले समय में और कौन सी ऐसी भर्तियां हैं जिन पर फोकस रहेगा, क्योंकि कई बड़ी भर्तियां भी आयोजित होने वाली हैं, ऐसे में बच्चे हैं वो यहाँ चक्कर ना काटें, उनको उनके घर पर ही हर सवाल का जवाब मिले। आपने पहले भी कहा था कि एक ऐसा जो वो है चयन तैयार करूँगा जिससे बच्चों को चक्कर ना काटें। ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। वैसे आने वाली जो सारी भर्तियां हैं उसमें एक बहुत बड़ी भर्ती की नोटिफिकेशन में जारी की थी पशु परिचर की, जिसका करीबन 6 अक्टूबर के आसपास हमने नोटिफिकेशन जारी किया था और उसकी प्रक्रिया भी शुरू होनी है फॉर्म भरने की, तो बहुत ही शीघ्र ही वो कार्रवाई शुरू होने वाली है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस भर्ती के अंदर हम एप्लीकेशन फॉर्म को आधार से कनेक्ट करें और 10th और आधार ना हो तो 10th स्कूल के बोर्ड से कनेक्ट करें ताकि हमारे पास ऑथेंटिसिटी रहे जो बच्चा अप्लाई कर रहा है उसके लिए। और ये काफ़ी बड़ी भर्ती होगी, मेरा अनुमान है कि इसमें कम से कम 20 लाख से ऊपर बच्चे अप्लाई करेंगे क्योंकि इसकी जो शिक्षा की जो इसकी एजुकेशन की एलिजिबिलिटी है वो 10th क्लास है, तो ये काफ़ी बड़ी भर्ती होगी। हम कोशिश करेंगे कि ये भर्ती भी शीघ्र हो, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी भर्ती ये जो भर्ती है वो शायद लोकसभा चुनाव के बाद ही हो पाएगी। जहाँ तक सवाल है कि बच्चों को जो मन में शंका होती है उनको आना पड़ता है, हमारी कोशिश है कि हम बच्चों को यहाँ पर आने की परेशानी ना उठानी पड़े। मैं खुद एक अपने पर्सनल एक मैं हैंडल शुरू करना चाहता हूँ चेयरमैन के तरफ से, जो कि ट्विटर हैंडल होगा, इंस्टाग्राम होगा, बहुत ही शीघ्र ही वो शुरू होगा और मैं कोशिश करूँगा बच्चों से जुड़ने की। आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करूँगा बच्चों को कि वो मुझे पर्सनली फॉलो करें जब ये चैनल शुरू होता है,
और आपको मैं बच्चों को समय समय पर जानकारी देता रहूंगा ताकि उनको यहाँ पर आने की जहमत ना उठानी। अंतिम सवाल एक है, पिछले एक साल से कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है, वो है CHO भर्ती वाला। CHO भर्ती का अभी तक भी कोई समाधान नहीं हुआ है, बच्चे अभी भी परेशान। तो जैसा मैंने पहले शायद बताया था, CHO भर्ती की जांच प्रक्रिया चल रही थी जब उसका पेपर लीक के बारे में रिपोर्ट्स मिली थी, और वो जांच प्रक्रिया SOG भी कर रहा था, और उसकी जांच की प्रक्रिया फिर हमने भी यहाँ पर की, और अभी हमारे पास इसके जांच के तथ्य ऑलमोस्ट आ गए हैं। बहुत ही शीघ्र इसके ऊपर निर्णय होगा, और लेकिन मैं बच्चों को बताऊँगा कि एक सेफ ऑप्शन होता है बच्चों को परीक्षा की तैयारी करने का, तो जब भी डेट डिक्लेयर हो वो परीक्षा की तो उसको करें, और मान लो पुराना रिजल्ट कोई माना जाता है उसके बारे में फिर कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को बता दिया जाएगा। तो हमारी कोशिश है कि बहुत ही शीघ्र ही इसके ऊपर निर्णय लेकर सभी बच्चों को बताया जाए। हमारे साथ मेजर आलोक राज जी थे। आचार संहिता हटने के बाद परीक्षार्थियों के मन में बहुत सारे सवाल थे, इन सभी सवालों का जवाब लेने की हमने कोशिश की थी। ऐसे में यदि आपको अपने हर सवाल चाहिए तो बोर्ड की ओर से जो नवाचार शुरू किया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए हर जानकारी आप तक पहुँचाने का, तो आप उसे फॉलो कीजिए ताकि आपको बोर्ड कार्यालय के चक्कर न काटने पड़े। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़, मैं हूं ललित वर्मा।